लोकप्रिय अनुभवी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, सम्मानित यहाँ पर वरिष्ठ मेरे कैबिनेट मंत्रीगण बैठे हैं, और AICC से हमारे प्रभारी सचिव तरुण जी आए, विवेक बंसल जी आए हैं, और तमाम सम्मानित मंच, आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, मेरे युवा साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं मंडावा की जनता का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे पता है साथियों, समय आपका बहुत कीमती है, खेती का काम है, लावणी का समय है, लेकिन फिर भी आप अपनी इस बेटी और बहन के लिए समय निकाल कर यहाँ पर आए। मैं दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं याद करना चाहती हूँ अपने पिताजी रामनारायण चौधरी जी। मंडावा विधानसभा क्षेत्र हमेशा उनकी कर्म स्थली रहा है, और उन्होंने अपने जीवन के 50 साल मंडावा विधानसभा क्षेत्र की सेवा में बिताए, यहाँ की जनता की सेवा में बिताए, और वो भी बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ। आज ये जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है, पायलट साहब, गहलोत साहब, ये सारे के सारे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं चौधरी साहब से और मुझसे, ये जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, इसलिए ये 3 घंटे से यहाँ बैठकर आप लोगों को सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और ये जन सैलाब इस बात का प्रमाण देता है कि मंडावा की जनता चाहती है कि कांग्रेस एक बार जिंदा होए मंडावा के अंदर। मंडावा की जनता चाहती है कि राजस्थान की सरकार के विकासशील काम एक बार फिर मंडावा के अंदर होए और मंडावा विकास की गति पकड़े। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, अपील करना चाहती हूँ साथियों, 21 तारीख बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये महत्वपूर्ण है, मंडावा का भविष्य तय करेगा, और ये हमारा कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने का भविष्य भी तय करेगा मंडावा के अंदर। मंडावा कभी भी BJP की नहीं रही, लगातार पिताजी रामनारायण चौधरी जी यहाँ पर MLA रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष रहे, लेकिन एक बार चूक हो गई, और चूक इतनी महंगी पड़ी कि हमारा मंडावा विधानसभा क्षेत्र 10 साल पीछे चला गया। मुझे याद है हमारे ऊर्जावान युवा और करिश्माई लीडर सचिन जी पायलट साहब, किसान नेता के रूप में इन्होंने जब बागडोर संभाली राजस्थान की, और फिर इन्होंने जो मेहनत करी उसका नतीजा रहा राजस्थान के अंदर कांग्रेस आई, और फिर कमान संभाली हमारे अनुभवी नेता, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने, और 10 महीने के इन दोनों की जोड़ी ने 10 महीने के अंदर जो लोकप्रिय फैसले करे, जनता के हित में फैसले करे, किसानों के हित में फैसले करे, युवाओं के हित में फैसले करे, और हमारी महिला बहनों के हित में फैसले करे, वो बहुत सम्मानित फैसले। लोगों में जोश है, लोगों में उमंग है, और 21 तारीख का इंतजार है। जब मैं 2008 से 13 के बीच में विधायक थी और हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब थे, उस समय हमारे मंडावा विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास के काम हुए, सड़कों का जाल बिछा, तहसील बनी, उप तहसीलें आई, और कुंभाराम लिफ्ट परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, हिमालय के मीठे पानी की योजना हमारे यहाँ। अब समय है साथियों, सरकार कांग्रेस की है और हमें गति पकड़नी है, हम लोगों को विकास चाहिए मंडावा के अंदर। और आप लोगों ने देखा होगा, सरकार बनने के बाद जब पहला बजट आया, मैं माननीय हमारे पायलट साहब से और हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री गहलोत साहब के पास गई और हमारे मंडावा की कुछ समस्या रखी, और बजट में घोषणा हुई कन्या महाविद्यालय की हुई, और वो भी हेतमसर गांव में। उसके पीछे का कारण है गहलोत साहब, पायलट साहब, मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी नारी शिक्षा पर बहुत ध्यान देते थे, हेतम सर उनका अपना गांव, मेरा अपना गांव, और जब वो अपने आखिरी क्षण में थे तो उन्होंने मुझे कहा कि रीटा, मेरा एक बहुत बड़ा सपना है
कि हेतम सर की जो लड़कियों की सीनियर स्कूल है उसको कॉलेज बनवा। मैं उस समय तो उनका सपना पूरा नहीं कर सकी, लेकिन हमारे सरकार की मदद से, गहलोत साहब की मदद से, पायलट साहब की मदद से उनका सपना साकार हुआ। रेतम सर में कॉलेज आई लड़कियों की, एक बहुत बड़ा काम हमारा हुआ। और उसके साथ ही हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर खारे पानी का क्षेत्र रहा है, फ्लोराइड पानी का क्षेत्र रहा है। पिछली सरकार की वजह से हमारे जो बहुत सारे गांव थे वो वंचित रह गए थे मीठे पानी से जुड़ने से। और इस बजट के अंदर घोषणा हुई, डीपीआर मांगी गई है, और जो 114 गांव वंचित रह गए साथियों, वो सबके सब मीठे पानी से जुड़ेंगे। मंडाना विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव और एक भी ढाणी मीठे पानी से वंचित नहीं रहेगा। मैं साथियों आप लोगों के बीच में हमेशा रही हूँ, आप लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आई हूँ। मैं अपने पिताजी का जो विश्वास था, उन्होंने 2008 में मुझे टिकट दिलवाया, आला कमान कांग्रेस पार्टी का विश्वास था। उस इस विश्वास की खातिर 11 साल तक मैंने संघर्ष करा। आप लोगों की बदौलत मैं हमेशा आप लोगों के बीच में रही। आपने जो सम्मान और प्यार दिया, चौधरी साहब की तरफ देखकर आप लोगों ने मुझे भी वही प्यार और अपना आशीर्वाद दिया। आगे भी इसी तरीके से मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपना स्नेह मुझ पे रखें। मैं जब राजनीतिक भंवर के अंदर अपने आप को फंसा महसूस करती, तब मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आती। और उस समय जब मैं हौसला कर हिम्मत कर अपनी नजरें उठाकर देखती तो मुझे आप लोग दिखाई देते, मेरे पिता तुल्य, मेरे साथी, मेरे बुजुर्गण दिखाई देते और मुझ में हौसला आता। साथियों एक बार फिर मैं मंडावा के महासंग्राम को आप लोगों के हवाले करती हूँ। आप हर एक बुजुर्ग पिता तुल्य मेरे लिए रामनारायण चौधरी बनकर काम करेंगे और हर युवा रीटा चौधरी बनकर काम करेंगे। मैं हमेशा मंडावा की जनता का मान सम्मान बनाए रखूंगी, हमेशा आप लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि 21 तारीख को बहुत सजग होकर, बहुत सतर्क होकर, दुश्मनों से सचेत होकर हम लोगों को वोटिंग करवानी है और 100% पोलिंग करवानी है। यहाँ पर पड़ोसी जिले के वरिष्ठ नेता घूम रहे हैं, नागौर से भी आए, और जैसी उनकी मानसिकता है उन्होंने अपने भाषण में जितने अपशब्द कहने थे उन्होंने कहे। ये लड़ाई है मंडावा के सम्मान की, ये लड़ाई है बेटी के सम्मान की। आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि मंडावा का आत्मसम्मान अभी भी जिंदा है। उनको बताना होगा कि बाहर के लोग कितना भी जोर लगा ले, लेकिन मंडावा की बेटी की इज्जत खराब नहीं कर सकते, मंडावा की मान सम्मान को चोट नहीं पहुंचा सकते। साथियों कहते हैं अपने भाषण में उलूल जुलूल बातें करते हैं, स्वर्गीय रामनारायण चौधरी जी की धरती पर आकर उनको गाली देते हैं, स्वर्गीय रामनारायण चौधरी जी की धरती पर आकर मंडावा की और उनकी बेटी को गाली देते हैं। हम लोगों को तैयार होना है साथियों, और 21 दिन का इंतजार करता है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमें सोना नहीं है, हमें हमारा लड़ाई छोड़नी नहीं है। जैसे आप लोगों ने पिछली बार करा, जीता हुआ मान कर बैठ गए। और वैसे भी साथियों बीजेपी तो रही नहीं है मंडावा के अंदर, अब बीजेपी के पास कैंडिडेट बचा ही नहीं, उन्होंने उधार का एक कैंडिडेट लिया है और उसको खड़ा कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी जब पिछले कार्यकाल में नारा दिया था इन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बिजली बचाओ पानी बचाओ, उस नारे को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पकड़ लिया। अब वो भी कहते फिर रहे बेटी बचाओ, तो मेरी अपील है भाई इस बेटी को बचाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः हमारे अध्यक्ष महोदय का, हमारे मुख्यमंत्री का और तमाम कैबिनेट के मंत्री जो यहाँ पर
दस दिन से लगे हुए हैं मास्टर भवनलाल जी, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मकबूल जी मंडेलिया साहब, सब यहाँ पर पूरी टीम सरकार की और संगठन की लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आपका चुनाव दिन दुनी रात चौगनी बहुत ऊंचाई पर जा रहा है। लेकिन साथियों, हम लोगों को सतर्क रहना है। एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ। स्वर्गीय रामनारायण चौधरी जी को नमन करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।